एज इन ऐसा मौका रोज़ नहीं मिलता है कि जब आपको इतने सारे एडवेंचर करने को मिले और अपने अपने आप को ढूंढने का मौका मिले। आई फील जब आप कुछ नया करते हो ज़िंदगी में तो आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करते हो कि आप और क्या 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 कर सकते हो। आपको पता चलता है अपने बारे में कि ओ माई गॉड ये भी मैं कर सकती हूँ, ओ ये भी है, तो वो करने का मौका मिल रहा है तो उससे बड़ी क्या बात होगी। बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना, मतलब आए हैं ज़िंदगी में तो कुछ अलग करने के लिए आए हैं, ऐसे तो जब चल ही रहे हैं सड़क पे तो इट्स वेरी नॉर्मल। आई थिंक एन आर्टिस्ट हैज़ अ वॉइस और मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरी एक आवाज़ है और मेरी जो आवाज़ है वो कुछ कहती है, वो बिना मतलब के नहीं है। तो अगर मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे मैं अपनी आवाज़ को बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकती हूँ और दिखा सकती हूँ कि मैं रियलिटी में क्या हूँ, तो क्यों नहीं। तो आई वॉज डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड व्हेन आई हर्ड कि आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल रियलिटी शो फुल ऑफ एडवेंचर, खतरों के खिलाड़ी, वन ऑफ अ काइंड। एंड ठीक है, मेरी मम्मी को उतना जमा नहीं क्योंकि उनको लगा कि थोड़ा मेरा बच्चा है कैसे जाएगा, तो उन्होंने पूछा कि मैं चलूं क्या साथ में तो मैंने कहा कि मम्मा ऐसे नहीं होता है, स्कूल ट्रिप नहीं है, खतरों के खिलाड़ी है। तो उन्होंने बोला कि ओके, देन शी इज़ ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ मी एंड बट एट द सेम टाइम माँ तो माँ होती है तो उनको उनको डर तो लगता ही है कि हमारा बच्चा हमेशा प्रोटेक्टेड जोन में रहे। जी अभी सबको पता नहीं चला है, टू बी ऑनेस्ट अभी धीरे धीरे सबको पता चल रहा है तो एवरीबडी इज़ गेटिंग एक्साइटेड, एवरीबडी इज़ लाइक क्या बात है, खतरों के खिलाड़ी आप जा रहे हो तो डू इट, लाइक यू नो पीपल नो मी दैट आई एम डेयरिंग इन लाइफ इन माई यूजुअल लाइफ, सो दे आर हैप्पी अबाउट इट, खुश भी हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आप हिम्मत मत हारना और फोकस करना। जी आई थिंक जो इंसान सोचता है वही वो बनता है और जो इंसान सोचता है कि उसको वो मिलेगा उसको वही मिलता है, इसलिए अच्छा सोचना चाहिए। और खतरों के खिलाड़ी जैसे कि मैं बहुत देखती आ रही हूँ कब से, मतलब लोगों के घर दिल में घर कर गया ये जो सीरियल है, तो आई थिंक पीपल कनेक्ट इन अ वे कि वो और किसी और, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट शो, ऐसे शोज़ रोज़ नहीं बनते हैं, रियलिटी शोज़ बहुत बनते हैं बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। एंड ऑब्वियसली एक सिंगर को कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोई जाके हाइट्स पे चढ़ रही है, पर अगर सिंगर ऐसे ऊपर चढ़ के गाना गाएगी तो उसका अलग ही मज़ा आने वाला है, तो वो तो अब आपको पता चलेगा जब आप देखोगे। बट आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई गेट टू डू दिस क्रेजी शो। जी तो मेरा मोटो जो है लाइफ में दैट इज़ आई एम अ फिटनेस फ्रीक, लाइक आई डू योगा, जिमनास्टिक्स एंड वर्कआउट रेगुलरली, बाहर जाना, नेचर में समय बिताना, तो मैं वो सब चीज़ें बहुत उन पर बिलीव करती हूँ और मेरी आर्ट जो है वो वहीं से ही इंस्पायर्ड होकर निकलती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरे को वर्ल्ड देखना है क्योंकि आपको एक ही ज़िंदगी मिली है, राइट, और उस एक ज़िंदगी में आपको जितनी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिले वो आपको करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। तो आई थिंक इसके लोग एक्सपेक्ट नहीं करते पर लोग वही देखना चाहते हैं जो अलग होता है, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो गेट रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड। कितने दिनों पहले से तो नहीं, ज़्यादा दिन हुए नहीं है, बट आई फील इट्स अ कॉन्स्टेंट थिंग, मतलब वहाँ पहुँच कर भी और उसके बाद भी, उसके ख़त्म हो जाने के बाद भी, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, आपको कॉन्स्टेंटली खतरों के साथ खेलना पड़ता है। सिर्फ ये तो शो है विच इज़ पीपल विल सी वॉच इट, बट ज़िंदगी अपने आप में एक शो है, सो आई थिंक आई एम ऑलवेज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर एवरी डे। जी आई थिंक सीज़न 11 जो अर्जुन ने जीता, अर्जुन बिजलानी, एंड उसमें आई रियली लाइक द वे ही हैंडल्ड द शो एंड जिस तरीके से उन्होंने अपना एंटरटेनमेंट भी बरकरार रखा और साथ साथ में स्टंट्स पे भी ध्यान दिया। एंड देन देयर वर मोर डांसिंग, जो डांसर्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, शांतनु वॉज देयर एंड आई लाइक पीपल हु आर फोकस्ड एंड डिटर्मिंड एंड यू नो स्ट्रांग, दे नो वॉट दे डूइंग। या अभी मैं सबसे मिली नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट और मैं चाहती हूँ कि मैं कॉम्पिटिशन से ज़्यादा देखूँ कि सब लोग कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व करने में भी आप बहुत कुछ सीखते हो। तो आई थिंक अगर कहीं से भी मुझे कुछ भी एक चीज़ मिलेगी देन आई वुड रैदर एक्सेप्ट इट, अडेप्ट इट, इंस्टेड ऑफ यू नो कि मुझे उस पर ध्यान देना है कि अच्छा क्या है, फोकस ऑन गुड एंड नॉट ऑन द ओवर थिंकिंग पार्ट एंड यू नो लाइक
कि ये मुझे कैसे नहीं, क्या नहीं होगा इससे, क्या होगा वो सोचना है जी।